वेलकम एवरीवन, वेलकम एट सीएस नोट्स होम जीएसटी अपडेट वीडियो सेल। दोस्तों, हमने आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया, टीआर नंबर बताया और उसके आगे के बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने स्टेप टू स्टेप बनाए जिससे आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। हमारा लास्ट का जो टॉपिक था उसमें हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने ऑथोराइज सिग्नेटरी के ऊपर वर्किंग किया था। ऑथोराइज सिग्नेटरी में हमने लास्ट में देखा था, वहां पे एक लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन मांगता है। इसका मतलब होता है अगर आप जैसे एलएलपी में हो, डायरेक्टर हो, कंपनी के अंदर हो, तो वहां पे आपको एक ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है कि आपको कंपनी ऑथोराइज्ड कर रही है ये इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं इसको आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगा। दोस्तों, ये फॉर्मेट मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आपके लेटर हेड पे आपको लेना है, डियर सर मैडम, वी आई अंडरसाइन हैव एग्रीड टू ऑथोराइज, जो भी नाम है, जो भी ऑथोराइज पर्सन रहेगा, मिस्टर मिसेज, टू साइन ऑल द नेसेसरी एप्लीकेशंस अंडरटेकिंग एंड सच अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी नेसेसरी फॉर जीएसटी एप्लीकेशन ऑन बिहाफ, और वापस आपको कंपनी का नाम वहां पे लिखना है, डेट डालनी है आपको, प्लेस डालना है और साइन विथ स्टाम्प, यहाँ पे आपको स्टाम्प लगानी है और साइन करने हैं। रिमेंबर इट, ये आपका आपके लेटर हेड पे ही होना चाहिए, तभी ये ऑथोराइज सिग्नेटरी माना जाएगा। अगर आपको ये लेटर डाउनलोड करना है तो मैं आपको सिंपल सा स्टेप बताता हूं। आपने csnoteshome.com ओपन करना है, www.csnoteshome.com, ये देखिए आप यहां पे देख सकते हैं। इसमें आप डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे, डाउनलोड के सेक्शन में आपको फर्स्ट फाइल मिलेगी, ऑथोराइज सिग्नेटरी अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट लेटर इंपॉर्टेंट। इस पे आप पे व्यू के ऊपर आप क्लिक करोगे, व्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके पास में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे, मे बी पॉसिबल ये आपसे लॉगिन मांगेगा। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, वेबसाइट के ऊपर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर विथ योर नेम आपको यहाँ पे देने होते हैं, आप तुरंत रजिस्टर्ड हो जाते हो और इस फाइल को आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे और ये फाइल आपकी डाउनलोड होना, देखिए यहाँ पे लॉगिन मांगता है। तो आपको यहाँ पे साइनअप में अपना नाम डालना है, फोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी और आपको कोई भी पासवर्ड आपको चूज करना है और साइनअप करना है। आप तुरंत एक सेकंड में साइनअप हो जाओगे, साइनअप होने के बाद में आप उस फाइल को डाउनलोड कर पाओगे। दोस्तों, इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा अपॉइंटमेंट लेटर या आपका ऑथोराइजेशन लेटर रहेगा जो आपको बनाना है। इससे इसकी स्टेप ये रहेगी, आपको इसे डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके इसे एडिट करना है विथ योर इन्फॉर्मेशन, इसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद में आपको यहाँ पे साइन और स्टाम्प दोनों करने हैं, उसके बाद में इसे स्कैन करना है। अगर आपके पास में स्कैनर नहीं है तो स्मार्टफोन में आजकल बहुत स्कैनिंग की एप्लीकेशन आ चुकी हैं, आप उससे उसे स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके आपको सॉफ्ट कॉपी में वापस आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके यहाँ पे लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन में आपको इसे अटैच करना है। अटैच करने के बाद में ये इस तरीके से अटैच हो जाएगा, आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का फॉर्मेट आपको बताया, किस तरीके से उसे अटैच करना है वो आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कौन है और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेसेस किस तरीके से होते हैं। सब्सक्राइब और लाइक इस चैनल को करना सीएस नोट्स होम को आपकी चॉइस है, बट कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी इश्यू हो, कोई भी कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब करते हो तो हमारे जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो आपको तुरंत YouTube की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। थैंक यू एवरीवन।